नमस्कार, मैं अभी हूँ कटुड़ा गांव। ये सुरेंद्र नगर गुजरात का एक गांव है और यहाँ जो स्पेशल चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आस्था और पर्यावरण का जो आपसी संबंध है। हालांकि आए दिन ये चर्चा आप सुनते होंगे, कई बार आप भी उस चर्चा के भागीदार होंगे कि कैसे आस्था की वजह से भारत में नदियों तालाबों का नुकसान या तरह से वो मर जाती हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं गंगा नदी में बहुत सारा हम कचरा डाल देते हैं आस्था के नाम पे। यमुना का भी वैसा ही हाल है। तो ये एक आस्था और पर्यावरण का नेगेटिव वहाँ पे हमें संबंध दिखाया जाता है या हम खुद भी देखते हैं और उसके भागीदार होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे वो आस्था और पर्यावरण का एक पॉजिटिव पहलू भी होता है। उदाहरण ये है कि यहाँ पे ये हजारों बेल के पेड़ है, बेल पत्थर के पेड़ है, और उनको जो लगाने का तरीका वो ये है कि हर पेड़ की जड़ में एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया जाता है। आप देखेंगे कि हर पेड़ की जड़ में एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया जाता है और उसका रूल ये होता है कि गांव वालों की एक आस्था होती है कि वीकली बेसिस पे इन शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाता है। और ये अब आप भी समझ सकते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल अभिषेक होगा तो वो पानी पेड़ की जड़ में पहुंचेगा और पेड़ की जड़ में पानी पहुंचेगा तो पेड़ स्वस्थ होगा और जल्दी बड़ा होगा। इसी का कारण है कि यहाँ पे एक भी पेड़ आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो कमजोर हो, और ये बहुत जल्दी लगाए गए पेड़ है। सौभाग्य से मैं यहाँ पे 3 तालाबों के लिए गांव वालों के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ इस बार, और हमने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे गांव की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से हम आस्था और पर्यावरण दोनों को जोड़कर एक अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाया जा सकता है आस्था के साथ। तो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम नेगेटिव पहलू की तरफ भी तो देखते रहें, लेकिन उसका साथ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उस पर भी हम चर्चा करें, और ये एक लाइव एग्जाम्पल आपको दिख सकता है। थैंक यू।